हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर एजुकेशन हब। आज हम करते हैं हमारा मॉक टेस्ट 9 जनरल एग्रीकल्चर का। ये भी जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक्चुअली ऐसा किया है कि कुछ स्पेसिफिक पोर्शन डाल दिए, जैसे एंटेमोलॉजी के अलग हैं, आपके इकोनॉमिक्स के अलग हैं, आपके ब्रीडिंग के अलग हैं, ताकि आपको साथ में ही सब कुछ पता चलते जाए। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं स्टार्टिंग से। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एनी क्रॉप इज डिक्लेयर्ड एज। देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है कि कम से कम किसान को इतना पैसा तो मिलना ही है उसकी क्रॉप का। जैसे कि मान लो वीट के लिए अगर मैं बोल देता हूँ 3350 रुपये कुंटल मैं दूंगा वीट वीट के लिए, मतलब गवर्नमेंट देगी, तो किसान को इतना, इससे कम तो पैसा मिलेगा ही नहीं पर कुंटल। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखिए, ये क्या होता है कि किसान को पहले ही बताना पड़ेगा कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना हम देंगे, तभी तो किसान वो क्रॉप लगाएगा, है ना। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो पहले पता रहेगा तभी वो लगाएगा, तो ताकि उसको नुकसान ना हो बाद में। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप, ऐसे आपको याद रखना है ना, क्रॉप सोइंग करने के पहले ही उसे बताना है हमको किसान को, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। और देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं, बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, कि मार्केट में भाव चल रहा है 3500 रुपये कुंटल और गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है आपको मतलब मार्केट में चल रहा है, मंडी में चल रहा है भाव 2100 रुपये कुंटल, और गवर्नमेंट मान लो आपको दे रही है 2300 रुपये कुंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अब बचा 200 रुपये का क्या होगा? तो जो 200 रुपये की धनराशि है, ये है ना, गवर्नमेंट एक योजना के तहत पूरी करता है, जिसको हम बोलते हैं भावांतर योजना, है ना। भावांतर याद रखना, ये मध्य प्रदेश सरकार में चालू हुआ था, शायद 2014 में समथिंग चालू हुआ था, अपडेट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। भावांतर, भाव में जितना अंतर आया वो गवर्नमेंट पे करेगा। ठीक है, ये शिवराज सिंह चौहान ने चलाया था मध्य प्रदेश में, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपको देखिए, समझ लीजिए, है ना, कि क्रॉप लगाने के पहले ही होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि CACP स्टैंड फॉर, CACP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे दूंगा, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। देखो, मैं जो भी डिटेल देता हूँ ना आपको बॉक्स में, उसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रहे, और वैसे भी आपका एग्रीकल्चर का नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। तो कोई सा भी एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो थोड़ा बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ना है जरूरी हम जो पढ़ रहे हैं वही आ जाए, उसके इर्द गिर्द कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको आसपास का भी रहना चाहिए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट इनकर्ड इन ग्रोइंग ए क्रॉप इज इन ए हेक्टेयर इज नोन एज। देखिए, अब बोल रहे हैं ग्रोइंग ए क्रॉप, है ना। अब देखिए, इसमें दो चीज़ हमको देखे रखी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। सबसे ज़्यादा आपको पंगा यहीं पे होगा, समझ में नहीं आएगा दोनों में क्या है। तो देखो, इसमें एक बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कॉस्ट होती है जबकि आप एक सीड लगाते हो, और सीड लगाने से लेके सीड का कल्टीवेशन करके एक जगह आपने उसको इकट्ठा कर लिया, इतनी जितनी भी कॉस्ट है इस चीज़ के लिए वो होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इकट्ठे करने के बाद आप उसको लेके गए मार्केट में, मार्केटिंग करी, बेचा, बेच के आए, उसके बाद जितनी टोटल कॉस्ट लग गई वो सब मिला के होता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो ध्यान रखना है अपने को, है ना, जब अपन उसने स्टोरेज कर दिया वहाँ तक का आपका प्रोडक्शन है, कटाने से लेके रख दिया उसको इकट्ठा करा वहाँ तक का, उसके बाद की जितनी कॉस्ट लगती है एक्स्ट्रा, वो सारी मिला के कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ओके। और जब हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर लेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, उसके आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखिए, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि इसमें बहुत सारे बायर्स होने चाहिए, बहुत सारे सेलर्स होने चाहिए, परफेक्टली आपका उसका होमोजीनस होना चाहिए ना, एंट्री एग्जिट उसकी क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से एक परफेक्ट मार्केट, और पहली बात तो परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपसे वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपके शहर में कितने परफेक्ट मार्केट है, तो आपको बताना है कि हमारे शहर में 0 परफेक्ट मार्केट है, क्योंकि परफेक्ट मार्केट तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल, एक दिमाग में बनाया कि ऐसा मार्केट होना चाहिए जो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरा चले ना, इस तरीके से। तो इसका आंसर देखिए, हमें इसमें क्या नहीं है, नोट पूछा ना, नोट कैरेक्टरिस्टिक तो हो जाएगा फ्यू बायर्स, बायर्स भी ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनियल प्रोडक्ट। देखिए, एवरेज प्रोडक्ट जब मार्जिनियल प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा, अब इन कंसेप्ट को समझने के लिए इकोनॉमिक्स का आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ईजी नहीं है इनको समझना। फिर भी ध्यान रखिए, APP एवरेज प्रोडक्ट जो चलता है, एक MPP होता है,
एक टोटल प्रोडक्ट होता है ना, इन तीनों का ग्राफ भी बनता है, वो मैं आपको इतना इजीली अभी यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा। उसका पूरा एक मेरे को कम से कम 10 से 15 मिनट का एक पूरा लेक्चर लगेगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाए, ठीक है। और वो लेक्चर मैं जल्द ले लूँगा, आपको सिर्फ उसी के लिए एक लेक्चर शायद मैं ले सकता हूँ उसके लिए, तो क्योंकि उससे ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन उसी चार्ट से फंसते, एक पूरा का पूरा ग्राफ है, वो ग्राफ अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है फिर उससे रिलेटेड, ठीक है। वो मैं ग्राफ आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगा कोई सा लेक्चर लेके, ठीक है। चलो तो इसका आंसर देख लीजिए, तो इसमें आ जाएगी इलास्टिसिटी आपकी लेस देन वन, ठीक है, आउटपुट अपन इनपुट है ना, ऐसे इलास्टिसिटी हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ फार्मिंग। देखिए पिछली बार भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी फार्मिंग से रिलेटेड है ना, अब आप खुद ही इसमें दिमाग लगाइए। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हमको इस टाइप के क्वेश्चन में ओड वन अलग करने रहते, तो इसमें देखो क्या अलग दिख रहा है, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग हमको अलग दिख रहा है ना, कोऑपरेटिव में कर रहे हैं लोग, मतलब इसमें लोग जुड़े हुए हैं, बाकी किसमें जुड़े हुए हैं नहीं है ना, तो एक अलग ही दिख जाता है आपको इस तरीके का आंसर, तो आपको लगा देना है टिक, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रीजनल रूरल बैंक RRB, देखो RRB से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट अभी यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप वीडियो पोस्ट करके वो पढ़ लीजिए ना, आपके पास टाइम होता है बिल्कुल पढ़िएगा, क्योंकि एक मिनट भी नहीं लगता है पूरा उसको पढ़ने में, पैराग्राफ को पढ़ने में, बाकी नॉलेज आपको उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट पेज में आंसर है, वहाँ पर चलते हैं। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1975 है ना, डायरेक्ट सही याद रख लीजिए आप। कितनी स्टेज होती है प्रोडक्शन की, देखो वापस प्रोडक्शन वाला ग्राफ है, वो ग्राफ आप समझोगे तो ही आपको समझ में आएगा। आप याद रख लीजिए तीन स्टेज होती है ना, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, IRI, रैशनल, रैशनल एंड इरैशनल, ऐसे बोलते हैं हम उसको ना, स्टेज फर्स्ट, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री, ठीक है। और इन तीनों स्टेज में अलग अलग कंसेप्ट होते हैं है ना, वो हम बाद में देख लेंगे। अब देखिए मैनी इंसेक्ट्स अंडरगोस एस्टिवेशन इन रिस्पॉन्स टू, मतलब एस्टिवेशन मतलब वो ऐसी अवस्था में चले जाएंगे कि वो कुछ काम नहीं करेंगे ना, बिल्कुल आलसी हो जाएंगे बिल्कुल, और मस्त पड़े रहेंगे, ठीक है, अपना खाना लेके, कोई मतलब नहीं है उनको दुनियादारी से। तो कब चले जाते हैं वो, देखो गर्मी में चले जाते हैं, गर्मी में वैसे ही बहुत ज़्यादा आलसी होती है ना हमको, तो गर्मी में हमारा काम करने का मन नहीं होता, तो इंसेक्ट्स भी क्या है, हाई टेम्परेचर है तो उनको भी काम करने का मन नहीं होगा, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हनी बी इज अ फॉरन ओरिजिन, मतलब ये आउट ऑफ इंडिया की, मतलब बहुत फेमस है भैया, बाहर से आई है, आउट ऑफ इंडिया की तो वैसे ही फेमस हो गई। तो एपिस मेलीफेरा लिन, ठीक है, मेलीफेरा याद कैसे रखेंगे कि ये मेला घूमने आई है इंडिया में, इसलिए मेलीफेरा, फॉरेन से आई है मेला घूमने, बाकी सब इंडिया की है ध्यान रखना ना, तो ये मेलीफेरा मेला घूमने आई है, ऐसे हमको याद रख लेना है। बाकी आप इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी पढ़ लीजिए कि सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है, सबसे छोटी मधुमक्खी कौन सी है ना, इनसे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट आप पढ़ते रहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो चारों ऑप्शन हमको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिल्वर शूट इन पेडी इज कॉज्ड बाय, सिल्वर शूट क्यों, क्योंकि वो सिल्वरी शूट टाइप दिखता है, मतलब शूट है ना बिल्कुल सिल्वर जैसा दिखता है, इसलिए उसको सिल्वर शूट बोला है। किसकी वजह से होता है, गोल मिर्च की वजह से होता है, ठीक है। और इसको देखो इमेज में आपको डाल दूंगा, तो आप इमेज देख लीजिए अच्छे से किस तरीके से सिल्वर दिखता है ना। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थ्रिप्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर, कौन से ऑर्डर की होती है ये, तो ये होती है आपकी थाइसेनोप्टेरा की, ठीक है। तो ऑर्डर तो आपको क्या है कि डायरेक्ट याद रखना है, टी फॉर थ्रिप्स, टी फॉर थाइसेनोप्टेरा है ना, ये थोड़ा सा पढ़ने में भी मुश्किल आते हैं एंटोमोलॉजी के टर्म्स। द ग्राम कटवर्म इज एक्टिव ड्यूरिंग, देखिए ग्राम कटवर्म कब एक्टिव होगा, अब ये रहेगा विंटर में, विंटर मतलब ठंड, ठीक है। अब याद रखना है हमको है ना, ग्राम वैसे ग्राम हमारी ठंड में आती है, पहली चीज़ तो ये याद रखना कि रबी की क्रॉप है आपकी है ना, और रबी आता हमारा ठंडी में, ठीक है। अब तो ठंड आपको ऐसे भी याद रहेगा। कटवर्म मतलब कट मतलब काटना, तो कटवर्म आ जाएगा आपका, क्या काटती है, ठंड काटती है, ऐसे याद रख लेना आपको है ना, विंटर में होगा इसका आंसर। होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट अकर्स इन, किस में होता है होलो मेटा होता है, देखिए इससे मैं डाल देता हूँ इसका पूरा क्या होता है ये, इसको पढ़ लीजिए आप एक बार। तो ये आपका होता है बटरफ्लाई में, ठीक है, आपको सीधा आंसर याद रख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पैथोजन इज हाईली होस्ट स्पेसिफिक, देखिए होस्ट स्पेसिफिक है मतलब एक होस्ट है तो उसी पर रहेगा भाई, दूसरे के पास नहीं जाएगा, मतलब है ना बहुत लॉयल है इस होस्ट के लिए, ये प्लांट है तो उसी पर अटैक करना है, दूसरे पर अपने को बिल्कुल नहीं कटना है ना। तो कौन है वो हाईली होस्ट स्पेसिफिक, वो है हमारा न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, लॉयल है इसलिए बड़ा नाम है उसका, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। सूटी मोल्ड डेवलप्स ऑन द लीव्स एंड द पेनिकल्स ऑफ मैंगो ड्यू टू द इन्फेस्टेशन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा लीफ होपर, ठीक है, आंसर ध्यान रखना आपको, लीफ होपर इज द करेक्ट आंसर, ओके लीफ होपर आता है इसलिए उसका सूटी मोल्ड
लीव्स और पेनिकल्स ऑफ द मैंगो में हो जाता है। ठीक, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल विदाउट द रिप्रोडक्शन, विदाउट रिप्रोडक्शन ही इनमें बच्चे हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब रिप्रोडक्शन का बोल रहा हूँ मैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो किस में होता है ये? नो, यूँ तो अपने हनी बी में होता है, लेकिन और कहाँ में होता है? एफिड्स में होता है, ध्यान रखना। तो एफिड्स इज द करेक्ट आंसर। मेजोरिटी ऑफ एग पैरासिटाइड बिलोंग टू द इंसेक्ट ऑर्डर किससे होता है? तो हाइमेनोप्टेरा से होता है, ध्यान रखना, ठीक है, अपने को सीधा याद रख लेना है। द लार्वा ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट आर ए पोडस। ए पोडस, ए मतलब नहीं, पोडस मतलब पैर, मतलब जिसके पांव ही नहीं होते हैं, और लार्वा मतलब किसका बेटा, किसका बच्चा, कौन से इंसेक्ट का बच्चा? तो वो हमारा होता है फ्रूट फ्लाई का, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग मेथड जनरली यूज टू इम्प्रूव अ वेल अडॉप्टेड वेराइटी फॉर स्पेसिफिक। देखिए यहाँ पे एक उन्होंने टर्म दे दी स्पेसिफिक ट्रेट, मतलब कि एक कोई जैसे मान लो उन्होंने दे दिया कि ये डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक ट्रेट हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो भैया एक प्लांट है हमारे पास, मतलब एक प्लांट को एक आदमी समझ लीजिए, हमारे पास एक आदमी है ना, एक इंसान है जो कि परफेक्ट है एकदम, ठीक है। बट उसमें एक दिक्कत है कि यार उसके बाल बहुत गिरते हैं, मतलब ना बाल वाली प्रॉब्लम है उसको। ऐसे प्लांट हमारे पास बहुत अच्छा, लेकिन उसमें थोड़ी प्रोटीन की कमी है। पर इधर दूसरा बंदा है जिसमें ना कोई क्वालिटी नहीं है, पर प्रोटीन उसके पास बहुत अच्छा है, तो हमें चाहिए कि इसका प्रोटीन इस बंदे में आ जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि स्पेसिफिक ट्रेट, तो इस ट्रेट को इधर लाना है हमको, तो उसके लिए हमें कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? उसके लिए हम बैक क्रॉस यूज़ करेंगे, ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक ट्रेट के लिए हम यूज़ करते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। अब देखिए कि विच ब्रीडिंग मेथड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। क्रॉस पोलिनेशन मतलब दूसरे फ्लावर में, तो कौन सी नहीं होगी? प्योर लाइन नहीं होगी। प्योर लाइन हम पढ़ चुके हैं कि सेल्फ के लिए होती है ना, और नहीं पढ़े हैं तो हम जब हम ब्रीडिंग मेथड पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से अभी याद रख लीजिए, प्योर लाइन सेल्फ के लिए होती है ना, बाकी सब क्रॉस में काम आ जाती है। मास सिलेक्शन सेल्फ और क्रॉस दोनों के लिए होती है, तो हमारा आंसर इसमें रहेगा प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। अब देखिए सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं सेल्फ पोलिनेटेड को? कितनी बार पढ़ चुके हैं? एक बार और पहले पढ़ चुके हैं हम, इसको बोलते हैं ऑटोगेमस, ठीक है। और क्लेस्ट्रोगेमस टेस्मोगेमस फेवर करते हैं ऑटोगेमी को, पर इसका आंसर हो जाएगा ऑटोगेमस, ठीक है। एलोगेमस मतलब क्रॉस पोलिनेटेड को बोलते हैं। पेरेंट यूज वंस इन बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड इज, देखो उसका हो जाएगा डोनर। अब देखो थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझ लीजिए, बाकी तो मैं डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा ये समझ लिया। अभी हमने बात करा था कि ये बाल वाला इंसान है भैया, ठीक है, और ये हमारा जो है ये बस इसमें सारी चीज़ अच्छी है, मतलब इसमें प्रोटीन अच्छा है और इसमें बाकी सारी चीज़ अच्छी है प्रोटीन को छोड़ के, ठीक है। अब हमने इन दोनों का क्रॉस करा दिया। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि पहले क्रॉस में सारे के सारे गुण इसके आ जाएंगे और इसके नहीं आएंगे, हमें तो इसका एक ही गुण चाहिए, पर क्रॉस में तो 50% गुण आएंगे दोनों के, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमको तो चाहिए 99.9% इसी का गुण चाहिए इसका, तो हम क्या करेंगे बार बार इसी के साथ बैक क्रॉस कराएंगे, बार बार इसी के साथ बैक क्रॉस कराएंगे F1 को। क्या होगा उससे कि इसके सारे गुण आ जाएंगे और इसके बाकी के सारे चले जाएंगे, सिर्फ एक प्रोटीन वाला हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ये डोनर प्लांट है ना, डोनर प्लांट था इसलिए इसको हम एक बार यूज़ करेंगे। देखो ओनली वंस इन ए बैक क्रॉस ब्रीडिंग इज डोनर प्लांट, और जो रेसिपिएंट है उसमें हम बार बार करेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं? रिकरेंट पेरेंट भी बोलते हैं। और ये जो डोनर प्लांट है इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिकरेंट पेरेंट बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, लेक्चर तो मैं लूँगा बाद में इसका। पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट इज इंड्यूस्ड थ्रू, देखो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है आपको ना, उसका जीनोमिक जो होता है क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम नंबर होते हैं ना जो जीनोम के पूरे बढ़ाने रहते हैं, जैसे 2N, 3N, 4N, 5N, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कोल्चिसिन ट्रीटमेंट। अब देखो कोल्चिसिन क्या करता है ना, आपका ये क्रोमोसोम्स के सेपरेशन को ख़त्म कर देता है, मतलब इसमें स्पाइनल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो आपके क्रोमोसोम अलग ही नहीं होंगे, तो एक तरफ ही सारे क्रोमोसोम चले जाएंगे, टूटेंगे ही नहीं वो, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा सीधा। तो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम भी किससे होता है? कोल्चिसिन से होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेक्साप्लॉइड वीट हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ द क्रोमोसोम? देखो 6X मतलब हेक्साप्लॉइड, और 7 होता है इसका वो बेसिक क्रोमोसोम नंबर, तो 6 × 7 क्या होता है? 42 होता है, ऐसे आपको याद रखना है। बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 × 6 = 42, तो आंसर इज 42, ठीक है। टेट्राप्लॉइड बोलते तो 28 हो जाता, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 42। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रेट दैट अकर्स ऑन इन वन जेंडर, एक ही जेंडर में सिर्फ वो ट्रेट है तो क्या बोलेंगे? सेक्स लिमिटेड ट्रेट। सिर्फ लिमिटेड है भैया, है ना, एक ही इंसान में है तो लिमिटेड है, ठीक है। मेल में है तो मेल में है, जैसे बाल्डनेस मेल में होगा तो मेल में ही होगा, इसलिए सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द बैकबोन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ये हमारा डीएनए है, डीएनए तो बहुत सुंदर होता है दिखने में, ठीक है। तो ये जो इसका डबल हेलिक्स, ये काहे के बने होते हैं? देखो फॉस्फेट और शुगर का बैकबोन होता है इसमें, ठीक है,
याद है, इतना तो याद है बाकी आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है, इसी से बनता है आपका बैकबोन इसका, क्लियर। अब ब्लैक हार्ट ऑफ इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ब्लैक हार्ट? पोटेटो की है, बहुत सिंपल है ना, ऑक्सीजन से रिलेटेड है, कुछ ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें ऐसा कुछ करके, है ना, तो पोटेटो से है इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ कर्ल ऑफ टोबेको इज कॉज्ड बाय, लीफ कर्ल ऑफ टोबेको किससे होता है? तो देखो निकोटियाना वायरस 10, हमको इतना तो पता है वायरस से होता है, लेकिन कौन से वायरस से होता है, तो इसका हो जाएगा निकोटियाना वायरस 10, है ना, CA1 नहीं है, 10 है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या है, ए वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टेरियम, ऐसा वायरस जो बैक्टेरिया को इन्फेक्ट कर दे वो कौन सा है? बैक्टेरियोफेज, ध्यान रखना बैक्टेरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है ना, जो किसको खत्म करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है ये वायरस ना, बैक्टीरिया की सेल में घुस के बैक्टीरिया की जो भी फैक्ट्री होती है उसको यूज करके ना अपनी डीएनए प्रोड्यूस करता है, आरएनए प्रोड्यूस करता है, जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये क्या करता है, ये जाता है भाई साहब बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है, बैक्टीरिया में अपना न्यूक्लिक मटेरियल छोड़ देता है और उसकी जो भी है रेप्लिकेशन की मशीन यूज़ करके अपने ही वो करते जाता है, ये मल्टीप्लाई है ना, इस तरीके से बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और अपनी जनरेशन बढ़ाता है। कहाँ देखे जाते हैं पता है ये बैक्टीरियोफेज? गंगा नदी में देखे जाते हैं, इसीलिए गंगा इतनी क्लियर है आपकी, ठीक है। आजकल तो क्या है कि पैलेट्स डाल दिए जाते हैं गंगा नदी में, कि वो बैक्टीरिया वाले पैलेट्स हैं, इनको डाल देते हैं ताकि गंगा आपकी शुद्ध रहे। आजकल आर्टिफिशियल बहुत काम चल रहा है, गंगा में सीधा पैलेट्स डाल दे ताकि वो बैक्टीरिया उसमें चले जाए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट फॉर टुडे, आई होप कि आपको टेस्ट पसंद आया होगा, थैंक यू वेरी मच।